दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सुना, ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो लोक शिक्षण संचालनालय हैं उसके लिए एक थप्पड़ का कार्य किया। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन के बगल में आप सभी को एक नोटिस दिखेगा जिसमें ये लिखा हुआ है, सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन विषय। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे, मान लो जैसे शिक्षक लोगों का जो भर्ती है ना, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक हफ्ते के बाद शुरू किया, लेकिन सहायक शिक्षक वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे 30 तारीख को काउंसलिंग ख़त्म हो रहा था, 31 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि बीएड वालों को जो अपात्र करके डीएड वालों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा था, उनको फ़ायदा हो, ये भर्ती कहीं से कोर्ट में ना फंसे, इन सभी के कारण से क्या किया गया था, सहायक शिक्षक का काउंसलिंग आनन फानन में बहुत जल्द शुरू कर दिया गया था। एक्चुअल में आप सभी देखोगे तो लोक शिक्षण संचालनालय सहायक शिक्षक का ज्वाइनिंग देने में बहुत तेज़ी दिखा रहा था, और सिर्फ इसका एक ही चीज़ देखा जाए, एक ही कारण हो सकता है, वो था जो डीएड वाले थे उनको लाभ पहुँचाना और जो बीएड वाले थे उनको, जो टॉप किए थे उनको पृथक करना। तो ये कृत्य एक प्रकार से भारी पड़ा लोक शिक्षण संचालनालय को। और आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट का आज जो हियरिंग हुआ था उसका वाला जो वीडियो डाला था, आप सभी ने नहीं देखा होगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या नोटिस लिखा हुआ है मैं आप सभी को पढ़ के दिखा देता हूँ। प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को इन्होंने लेटर लिखा हुआ है, शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 31/8/2023 से किया जाने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 31/8/2023 से किए जाने दस्तावेज सत्यापन स्थगित किया जाता है। दस्तावेज सत्यापन की नई तिथि की सूचना पृथक से दी जाएगी, मतलब अनंत काल तक के लिए, या जब तक कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक रोका जाए। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने रोकने के लिए नहीं कहा था, उसने कहा था कि आप काउंसलिंग करा लीजिए, आपको मन करे तो अगर आप ज्वाइनिंग देना चाहते हैं ज्वाइनिंग भी दे दीजिए, बस एक चीज़ करिएगा, उनके ज्वाइनिंग लेटर में ये लिख दीजिएगा कि जब तक हाई कोर्ट में क्लियर नहीं होता तब तक आपका जो भर्ती है वो अस्थायी रूप से है। जब उसमें हाई कोर्ट से क्लियर हो जाएगा उसके बाद से क्या हो जाएगा, या तो बीएड वाले पात्र होंगे या अपात्र होंगे, ये कन्फर्म पता चल जाएगा। एक्चुअल में क्या है, लोक शिक्षण संचालनालय बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाया और यही उसको, इसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, आपको क्या लगता है बीएड वालों को ज्वाइनिंग मिलेगा नहीं मिलेगा सहायक शिक्षक में, इसके बारे में भी अपना राय नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सहायक शिक्षक भर्ती है उसका काउंसलिंग जो है वो 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, 7 सितंबर तक। अभी इसका कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आया है तो इसके बारे में आप सभी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। बाकी वीडियो यहीं तक था, आपका जो राय है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।